हेलो एवरीवन दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम तो आज के वीडियो में अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू गेट आई तो जैसा कि सब लोग को पता है कि आई सी टी का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है बाकी एग्जामों की तरह जैसे जेई एडवांस का हो रहा है जेई मेन्स का हो रहा है या केवीपीवाई का हो रहा है परंतु जो ये एग्ज़ाम है इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देती है इसकी वजह से हमारे पास कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ऑथेंटिक नहीं है जिससे कि जो हमारा कंडक्टिंग बॉडी ने दिया हो कंडक्टिंग बॉडी हर साल जो आई है हर साल मॉडल पेपर निकालता है जिससे कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं चार पाँच क्वेश्चन जो है बच्चे बोलते हैं रिपीट होते हैं तो आप उनको कर सकते हैं अगर आपको कोई आई के प्रीवियस ईयर पेपर के नाम पर पे पेपर्स बेच रहा है तो वो या तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी सारे के सारे 200 के 200 नहीं हो सकते हैं। वो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है उसमें हो सकता है कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 क्वेश्चन हो क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम में याद करके आना 200 सौ क्वेश्चन को अस एक सौ अस्सी मिनट में अटैम्प्ट करना इज़ इट नॉट पॉसिबल कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो या मेमोरी बेस्ड में क्वेश्चन याद कर लो तो आपके साथ अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्रॉड है वो ठीक है कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मेमोरी बेस्ड आ जाएँ और जो लेवल होता है आई एग्ज़ाम का वो जो मॉडल पेपर देती है आई एम कुछ कुछ वैसा रहता है फिफ्टी और फिफ्टी परसेंट उससे थोड़े टफ़ रहते हैं ठीक है थीके? सबसे बेस्ट तरीका है आई मू एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो है आपके एयरफोर्स फोर्स एक्सवाई ग्रुप और एन के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बोथ और फॉर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड एन डी ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एन स्टेज वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन That's it from my side. Thank you very much for watching.